ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जय मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दसम अध्याय श्लोक संख्या 11 और 12 सत्संगान मुक्त दुसंगो हातुम नत्सहते बुधा सकृदाकर्ण रोचनम् अस्मिन्नाभिधियो पार्थ प्रभु जी अभी वाइब्रेट रखिए मोबाइल को। दर्शन स्पर्श लापासन दर्शन स्पर्श लापासन अपसयासन भोजने शयन भोजने भोजने हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सत्संगानुमुक्त दुख संगो कीर्त्यमानं यशोयस्य सकृदाकर्ण्यरोचनम् तस्मिन् यस्य धिय पार्थ तस्मिन् यस्य धिय पार्थ सहिरन् विरहं कथम् दर्शन स्पर्शं लापसय हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण सत् सत्संग दान मुक्त संगो हातु नोत्सहते बुधा
हातुं नो सहते बुधा कीर्त्यमानं यशोयस्य सकृदा कर्ण रोचनम् सकृदा कर्ण रोचनम् तस्मित्यस्य धियः पार्थो तस्मिन् सहिरन् विरह कथम् दर्शनस्य पर्शसला पश्य तन्भोजनेह हरे कृष्ण हरे कृष्ण सत्य संग मुक्त संगो सत्संग मुक्त दुख संगो हातुम नोत्सहते बुधा हातुम नोत्सहते बुधा कीर्त्यमानं यशोजस्य सकृदा कर्ण रोचनम् सकृदा कर्ण रोचनम् तस्मिन् यस्तस्तधीय पार्थ सहेरन विरहं कथम् दर्शन स्पर्श संलाप दर्शन स्पर्शं संलापम् चयनासन भोजने हरे कृष्ण सत्संगामुक्त दुख संगो दुसंगो सत्संगामुक्त दुख संगो सत्संगामुक्त दोषंगो सत्संगामुक्त बुधा नेक्स्ट सेकंड माताजी क्या बोले प्रभु जी सत्संगान मुक्त दुसंग दुख संग ख कहां पर है यहां पर ख कहां से दुसंग सत्संगान मुक्त दुसंग सत्संग मुक्त दुसंग दुख संग सहते बुधा हातुम नुत्सहते बुधा कीर्त्यमानं यशोयस्य कीर्त्यमानं यशोयस्य सकृदा कर्ण रोचनम् सकृदा कर्ण रोचनम् तस्मिन् यस्त धिय पार्थ तस्मिन् यस्त धिय पार्थ सहेरन् विरहं कथम् सहेरन् विरहं कथम् दर्शना स्पर्श संलाप दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजने शयनासन भोजने आसन भोजने हरे कृष्ण और कोई पढ़ेंगे मेहा माता जी पढ़ेंगे कोई है था अच्छा जपो आज बहुत बड़ा श्लोक ये उच्चारण छोटा चलिए अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए माता नंदकिशोरी माता जी पढ़िए हरे कृष्ण सभी वचनों को दंडवत प्रणाम वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति में से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है वह भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों न सुना हो तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे उनका स्पर्श करते थे उनसे बातें करते थे और
उन्हीं के पास सोते उठते बैठते तथा भोजन करते थे। हरे कृष्ण, तात्पर्य जीव की स्वाभाविक स्थिति अपने से वरिष्ठ की सेवा करना है। उसे इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्था में माया की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है और इंद्रियों की सेवा करने में वह कभी थकता नहीं। यदि वह थक भी जाए तो माया उसे इंद्रियों की सेवा करने के लिए निरंतर बाध्य करती है और कभी संतुष्ट नहीं होती। ऐसी इंद्रिय तृप्ति व्यापारों का कोई अंत नहीं है और बद्ध जीव छूटने की आशा के बिना ऐसी सेवा में उलझा रहता है। छुटकारा केवल तभी मिलता है जब शुद्ध भक्तों की संगति होती है। ऐसी संगति से वह धीरे धीरे अपनी दिव्य चेतना की ओर उन्नत होता है। इस प्रकार वह जान सकता है कि उसकी शाश्वत स्थिति भगवान की सेवा करने के लिए है। विकृत इंद्रियों की काम क्रोध प्रभुत्व जताने इत्यादि की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है। भौतिक समाज मित्रता तथा प्रेम काम वासना की विभिन्न अवस्थाएं हैं। घर देश परिवार समाज संपत्ति तथा अन्य वस्तुएं भौतिक जगत में बंधन के कारण स्वरूप है। जहां तीन प्रकार के ताप बने हुए हैं, शुद्ध भक्तों की संगति से तथा विनीत भाव से उनका श्रवण करने से भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम होती है और भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने के प्रति आकर्षण की प्रधानता होती है। एक बार आकर्षण उत्पन्न हो जाने पर वह बिना रुके चलता रहता है, जिस प्रकार बारूद की आग। ऐसा कहा गया है कि श्री हरि दिव्य रूप से इतने आकर्षक है कि जो आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में ही संतुष्ट है, वह वास्तव में सारे भव बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। वे भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह भली भांति समझा जा सकता है कि पांडवों की क्या स्थिति हुई होगी जो भगवान के नित्य संगी थे। वे श्री कृष्ण के वियोग की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि निरंतर व्यक्तिगत संपर्क के कारण उनका आकर्षण अत्यधिक प्रगाढ़ था। शुद्ध भक्त के लिए भी उनके रूप गुण नाम यश कार्यकलाप आदि का स्मरण इतना आकर्षक होता है कि वह संसार के सारे रूप गुण नाम यश कार्यकलाप भूल जाता है और शुद्ध भक्तों की परिपक्व संगति के कारण वह क्षण भर के लिए भी भगवान के संपर्क से दूर नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम की कक्षा में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारी आज का श्रीमद् भागवतम। उससे पहले कल के क्लास में जो कुछ हम लोग डिस्कस किए थे, थोड़ा सा भक्तगण ओवरव्यू देंगे थोड़ा थोड़ा करके। सबसे पहले देंगे हमारे पार्थ प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी भक्तगणों के लिए हमारी दंडवत प्रणाम। जब श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर से द्वारका जा रही थी, रथ में रथ में उठ गया था, तो सभी माने सभी जो हस्तिनापुर की सदस्य है, जो द्रौपदी थे, पंच पांडव थे, धृतराष्ट्र थे और गांधारी भी थे, उसके मन तो मूर्छित हो गया। तो इसके लिए मूर्छित हो गया, वो भगवान का भक्त थे, बहुत बड़ी भक्त थे, इसलिए मूर्छित हो गया। और हम लोगों का जो एक प्रश्न है, तो हम लोगों का मूर्छित क्यों नहीं होता? तो हम लोगों का भगवान पास तो नहीं जाना पड़े था, ठीक है। हम लोगों का तो मैंने कि जड़ जगत में हम बद्ध थे, मुक्त नहीं होता, इसलिए हम लोग भगवान के पास जाना नहीं पड़ता, ठीक है। और एक भी आपने कहा था, तो आप ये भी कहा था, जो अच्छा सात गुरु ने तो कोई भी सदस्य को आपका शिष्य बना था, वो शिष्य के लिए नहीं, वो गुरु बनाने के लिए उसको शिक्षा देना, ठीक है। और एक कहा था तो आप रूप गोस्वामी और प्रभुपाद जो श्री कृष्ण को लीला से बोला था,
जो आप ब्रजधाम से चला गया, ब्रजधाम से चला गया तो उसको जो लीला है, तो राधा कृष्ण और श्री कृष्ण को मिलन को उसमें पेड़ पौधे सब सबूत हो गया, हरा हो गया, ठीक है। और जो अब चला गया, अब श्री कृष्ण उठकर छोड़कर चला गया, तो उस सब पता झड़ गए, पानी सूख गया, ठीक है। उसके जो उस मन में जो मूर्छित हो गया, खूब दुख भरी कहानी है। तो हम लोग इतना पापी है तो हम तो माने देख भी नहीं सकता किसी कृष्ण को, तो हमको तो उस तो दूर का बात है, ठीक है। उनका आस्तलों भी मुझसे नहीं, हम लोगों का नहीं पड़ता, ठीक है। इस हरे कृष्ण ऐसा हमारे बंगाली होना चाहिए, जो हिंदी को एकदम पूरा बोल्डली बोले। बहुत सुंदर। अभी आप क्या करना है, मोबाइल को साइलेंट रखना ऑफिस में, जब रहेंगे क्लास के समय मोबाइल को साइलेंट रखना, क्योंकि बार बार आपका वो ये आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हमारे बीच में कल की क्लास के विषय में हमारे पास ओवरव्यू देंगे हमारे विश्वनाथ प्रभु। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंध दशम अध्याय नंबर श्लोक और दस नंबर श्लोक के बारे में आलोचना हुई थी। ये जो दस नंबर अध्याय है, ये श्री कृष्ण का द्वारका यात्रा, ये अध्याय का द्वारका यात्रा, मतलब कहाँ से द्वारका यात्रा, श्री कृष्ण कहाँ था इतना दिन, ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हस्तिनापुर में था, ये जो राज्य युधिष्ठिर का युद्ध हुआ था, ये सब कारण से इतने दिन ये हस्तिनापुर में था। अभी हस्तिनापुर में बहुत दिन तक के श्री कृष्ण था, वो रहने से क्या हुआ, लोगों का साथ संपर्क, मतलब भक्त और भगवान, से तो श्री कृष्ण का भगवान है, परमात्मा परमेश्वर है, तो ये जो संबंध संस्पर्श सत् संग साधु संग महत लोगों का संग से, जो लोगों का मन में उसका ऊपर प्रीति, उसका ऊपर प्रेम, भलोसा प्रेम जो होते, जिसका कारण से वो जब हस्तिनापुर छोड़ के जाने चाहता था, तो सब लोगों का मन में दुख हुआ का ऐसा दुख रहा है। ऐसे ही हम लोग संसार जीवन में, वो एक संसार है, उस जिस संसार में श्री कृष्ण को सब लोग मानते थे, उसमें तो ये लोग में है। अच्छा, प्रभु जी का नेटवर्क बहुत ही डिस्टर्ब है, तो चलिए हमारे विभा माता जी बोलेंगे कल के क्लास में हम लोग क्या चर्चा किए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। विश्वनाथ प्रभु आ गए प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ, ये सब लोगों का नाम जो दिया है, मतलब हस्तिनापुर के जितना भी वधू वहू था, वो सब लोग, ये इसका विच्छेद का जो शोक है, वो शोक कृष्ण विरह का जो शोक है, वो ये लोग सहन नहीं कर पा रहा था, तो इसका कारण ही है वो जो भगवान के ऊपर प्रेम। एक बार ये हस्तिनापुर वासी, हस्तिनापुर का वो राज परिवार का सभी, इसको छोड़ के भी हस्तिनापुर का बहुत सारा लोग है जो उसको इतना प्रेम हो गया था, जो प्रेम हम मनुष्य को वो भगवान प्रेम, भगवान का भक्ति प्रीति ये सब पाने के लिए हम लोग का भी जो प्रयास करते हैं, तो वो लोग उस साथ में रह के इतना प्रेम प्रीति हुआ था, तो इसका कारण से ये लोग कौन, सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, ये जुजुत्स और कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम, सत्यवती, ये सब लोग बहुत मूर्छित हुए पड़े, मूर्छित हो गया था जब वो रथ में चढ़ गया था, मतलब द्वारका जाने के लिए, तब ये सब उसका विरह वेदना जो है, विरह वेदना इतना यंत्रणादायक है, उसका कारण भी वो
श्री राधिका का एक इसमें उदाहरण दिए है, जब राधिका वृंदावन छोड़ के कृष्ण जब दूसरे जगह में चले गए थे तब ये लोगों का जब विरह वेदना हुआ था वो विश्लेषण जब किया उस विरह विरह वेदना में वो रूप गोस्वामी का एक नाटक लिखते थे, तब जब विरह होता था तब वृंदावन का सब पता झड़ जाता था और जब उसका फिर से मिलन होता था तो सभी हरा भरा हो जाता था, ये है ऐसा ऐसा अनुभूति होता है। ये बहुत सुंदर, ठीक है प्रभु जी। तो भक्ति का सात संग साथ साथ साधु संग मतलब का साथ के लोग संग मिला तो वो संग मिलने से लोगों का कृष्ण भक्ति लाभ होगा, तो ये ऐसा है। बहुत सुंदर, चलिए हमारे प्रभु जी कंक्लूजन में बताए कि हम लोग रोज साधु संग कर रहे हैं तो हमारे जीवन में भी कृष्ण भक्ति उदय होगा, तो अनुरोध करेंगे विभा माता जी से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो कल का श्लोक में प्रभु जी लोगों ने बहुत अच्छा से ये किया, तो कल का मुख्य प्रसंग था कि आखिर ये जो पांडव परिवार है और धृतराष्ट्र गंधारी जो है भगवान को प्रस्थान करने रथ पर आरूढ़ हुए तो मूर्छा होकर गिर गए, तो ऐसी व्याकुलता ऐसी बेचैनी ऐसी हम में क्यों नहीं होती है? आखिर हम भी तो इतने दिनों से भगवान की भक्ति सब बोलते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन कभी तो ऐसा होता नहीं है, तो इस क्योंकि हम जो ये भौतिक जगत से जो बंधे हुए हैं ना भगवान को पहचान नहीं पाते हैं कि भगवान आखिर मेरा है कौन। 40 साल उम्र हो गया लेकिन जिस परमात्मा ने इतना सुंदर व्यवस्था दिया जिसके जरिए हम इतने अच्छे से रह रहे हैं इस जगत में लेकिन उसको आज तक से दर्शन नहीं किए जान नहीं पाए, यही कारण है कि हम लोग भगवान से मिलने के लिए उत्सुकता और व्याकुलता बेचैनी नहीं होती है। हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए एक मछली के जैसा, जैसे मछली को जल से निकालते हैं तो तड़प तड़प के मर जाती है, उसी तरह से हमें जो है उस परमात्मा से मिलने के लिए एक प्रकार से व्याकुलता होनी चाहिए तभी हम मिल पाते हैं। किसी का बेटा किसी का पति 2-4-5 साल के लिए यदि विदेश या कहीं कमाने कहीं पढ़ने के लिए चले जाते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती, बेचैनी हो जाती है कि आज मेरा पुत्र घर में नहीं है, लेकिन भगवान 40 साल की उम्र हो गए एक झलक भी हम लोग देख नहीं पाए। तो कल का श्लोक बहुत सुंदर लगा कि उस भगवान को देखने के लिए हमें वो तड़प कब आएगी, अपने पुत्र पति परिवार बहन भाई के लिए हम लोग रोते लेकिन भगवान के लिए ऐसे आंसू कब आएगी ताकि उनकी दर्शन हो उनकी एक झलक भी हमें मिले। तो इसके लिए हमें भगवान से एक किसी भी एक सुंदर घनिष्ठ संबंध को अपनाना होगा, उस संबंध के जरिए हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह से हमें निश्चल भाव निष्कपट एक बालक के जैसे मन में कोई कल छपट लेकर के यदि हम भक्ति करते हैं तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, एकदम निष्कपट निर्मल भाव से निर्मल मंजन सो मई पा मोई कपट छल छिद्र न भाव, भगवान कहते हैं कपटी छल छिद्र वाला व्यक्ति हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए तो हमारे आचार्यों का कहना शास्त्रों का कहना है इस जगत में यदि देखने लायक कोई चीज है वो भगवान है, भगवान ही सिर्फ दर्शनीय है, सुनने लायक कोई चीज है वो भगवान की कथा, सुनना है तो सिर्फ भगवान की कथा सुनो, देखना है तो भगवान को दर्शन करो, यदि किसी का गुणगान करना है तो भगवान के इतने अथाह चरित्र है उनका गुणगान करो, दुनिया का दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार निरंतर भगवान का चिंतन ध्यान करते रहना चाहिए, तो तभी होगा जब हम नित्यम भागवत सेवा करेंगे साधु संग करेंगे रोज सत्संग करेंगे भगवान का चरित्र लीला का रोज गुणगान करेंगे, तो इस प्रकार से हमें भगवान के प्रति उत्सुकता आएगी बेचैनी आएगी। जैसे मुकुंद भक्त के बारे में प्रभु जी ने बताया था कि प्रभु बोल दिए महाप्रभु बोले कि दर्शन नहीं दें क्यों, क्योंकि तो सभी में रमा रहता है, निरंकारियों का सुनता है बौद्ध भिक्षुकों का सुनता है साकारवादियों को सुनता है, तो बोले कि अच्छा दर्शन नहीं देंगे तो कब दर्शन देंगे, तो 1,00,000 जन्म पश्चात। तो बोले चलो ये तो कम से कम गारंटी पक्का हो गया ना कि 1,00,000 जन्म लेंगे तो भगवान का दर्शन होगा, हम लोग तो पता नहीं कितना अनेकों जन्म दर्शन हुआ नहीं लेकिन भगवान बोल दिए मतलब पक्का कि मेरा दर्शन होगा। तो इस प्रकार से उन्हें तुरंत महाप्रभु ने बुला करके उन्हें दर्शन दिया। इस प्रकार से उत्सुकता बेचैनी विरह भगवान से जब होगा तब हम भगवान को दर्शन कर पाएंगे और निष्कपट निरी भक्ति करेंगे तभी यह संभव, जैसे कि पांडवों का साथ हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी बताए। चलिए अभी हमारे बीच में बोलेंगे दीक्षा,
जो राधा कृष्ण का पुतुल लेके यहाँ पे खेल कर रहे, सभी भक्तों को दिखाना चाह रहे, वो ड्रेसिंग किए है, सभी देख पा रहे प्राण सिंह प्रभु जी के प्रोफाइल में एक राधा और कृष्ण का विग्रह है, मूर्ति है वहां पे सजा के रखे। हाँ दीक्षा बोलो, कल क्लास में क्या चर्चा हुआ? हरे कृष्ण। मुझे याद नहीं था बट मैंने रिकॉर्ड किया है, मैं आपको सुना देती हूँ। इधर चेहरा दिखाओ। कल क्या, कल क्लास में हम लोग चर्चा किए थे, बताओ। नाम मुकुंद था। जब मायावादी लोग मायावादियों बात करते थे तब मुकुंद वहां जाके सुनते थे। जब महाप्रभु जब थे वहां पे जाके वो सुनता था। कोई बौद्धिक चर्चा होता था तो वहां पे जाके सुनते थे। तो महाप्रभु एक दिन बोले किसको मेरे सामने मत लाओ। एक खिचड़ी खाने वाला हर जगह चाट देता है। तो फिर एक दिन उनको रिजेक्ट कर दिए महाप्रभु। महाप्रभु जी प्रभु जी ठीक है, बहुत सुंदर बोले मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ। 7 दिन होने के बाद भी महाप्रभु उनको देखना नहीं चाहे तो भक्त बोले कि महाप्रभु मुकुंद तो आपसे पूरी तरह से ललायत, आपका दर्शन करने के लिए, आपका भेंट करने के लिए, लेकिन महाप्रभु बोले कि मैं तो उनको दर्शन नहीं दे सकता हूँ, मैं मायावादी है, निर्विशेषवादी है, वो हर एक जगह जाता है। एक जगह में बैठना है, पहला एक क्लास सुनो देन बताओ, पहले उसको समझना है, पहले तत्व को समझना है, कृष्ण साकारवादी है या निरावतारवादी है। लेकिन वो हर जगह ज्यादा के ओ अच्छा वो निराकारवादी है। ठीक है ओके ओके, बस बहुत सुंदर। तो आपको कॉपीराइट क्लेम करेंगे, आपको देना पड़ेगा कुछ जुर्माना। जब किसी के टी सीरीज का कोई गाना अगर आप अपने यूट्यूब चैनल में डाउनलोड मतलब अपलोड करेंगे तो आपको जुर्माना देना पड़ता है। उसी प्रकार आप मेरा पूरा एज इट इज कॉपी किए है ना। ओ आप बुद्धि किस तरह, अच्छा उसके लिए जुर्माना देना पड़ेगा। बहुत सुंदर। तो हमारे बीच में और कौन है? नेहा माता जी है। कल के क्लास में क्या चर्चा हुआ था, एक दो पॉइंट बताइए जितना हो सके संभव। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जैसे कि सब भक्तजनों ने बोल ही दिया है तो मैं छोटा सा कुछ बोलना चाहती हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, अगर आज नहीं बोल पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप कुछ पॉइंट लिख के रखना क्लास के बीच में ताकि मुझे एटलीस्ट ओवर व्यू में ये देना। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ सावर्ण मल्लिक प्रभु आप थोड़ा सुनाएंगे, आप कैसे सुना सकते हैं गुनगुना के हरे कृष्ण कीर्तन? हाँ बजाइए सावर्ण मल्लिक प्रभु, हरे कृष्ण बजाइए उसे, बजाइए उसे, कैसे आवाज सुनाई दे रहा थोड़ा देखेंगे हम। नहीं आवाज, मैं तो ऐसे ही बजा रहा था, देख लिया ना आपने।
आपका स्पीकर जो है ना बेकार है, सच में बहुत अच्छा आवाज नहीं आ रहा है, स्पीकर से दूर रहिए, जैसे हमारे कान जो है ना बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए। ठीक है, अभी बात कीजिए तो। हरे कृष्ण बोलिए, हरे कृष्ण बोलिए, हरे कृष्ण। हाँ, दूर रखना है स्पीकर को, सामने मत लाना। अच्छा ठीक है, आप कुछ ओवरव्यू देंगे कल के क्लास के विषय में? नहीं, कल तो मैंने सुना नहीं था ना एक्चुअली। ठीक है, कल तो ठीक है, अभी सुनिए, हमारे गीता माता जी बोलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सभी भक्तजनों दंडवत प्रणाम। कृष्ण, भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम का भाव उत्पन्न होना चाहिए उसके संदर्भ में सभी भक्त लोग कुछ कुछ बता दिए, लेकिन उसमें से जो एग्जांपल्स बताए थे आप, उसमें से मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहूंगी कि माताजी जब छोटी थी, जब नए नए भक्ति में प्रवेश कर रही थी, उनके माता पिता ने इस्कॉन से बुक्स ला करके दिए थे प्रभुपाद जी। कौन माता जी? संसार में बहुत सारे माता जी है। हमारे माता जी, हमारी माता जी, लक्ष्मी माता जी, लक्ष्मी माता जी, हमारी हमारी लक्ष्मी माता जी। आपकी धर्म पत्नी हमारे लक्ष्मी माता जी। तो वो इतने मतलब भक्ति में लीन हो गई थी, घर वालों को डर लगने लग गया कि अब पता नहीं क्या होने वाला, तो उन्होंने उनके किताब को छिपा दिया, जो आज तक कहाँ है ये भी उनको मालूम नहीं है, ये बता रहे थे। तो वो एक एग्जांपल, मतलब इतना मतलब कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करना पहला। दूसरा, आपने चिरिमिरी में एक छोटी सी लड़की, 17 साल की लड़की, जो छोटा सा कृष्ण लेके आए थे और आपने हाथ धोने के लिए वो वहां रखी, तो आपने मजाक में उठा लिया था उस गुड़िया को, तो रो रो के एकदम नीचे लौट के मतलब रोना शुरू कर दी। तो कोई और सहेली ने बताया, नहीं नहीं आप उनको वापस कर दो, नहीं तो कृष्ण से बहुत प्यार करती है, तो आपने फिर वापस लौटा दिया। सेकंड, थर्ड था मीरा का, बताए थे मीरा अपनी माँ के साथ कोई शादी में जा रही थी, बोलती शादी हो रही है तो मुझे भी शादी करना है, बोले मेरा दूल्हा कहाँ है, तो कृष्ण को दिखा दी मंदिर में, तब से वो अपने आप को कृष्ण के प्रति मेरा पति वही है करके मानने लगी। कहने की तथ्य कथा को सुनने में सीरियस होना चाहिए। कलयुग में सबसे बड़ी समस्या है सुनने की। कलयुग में सबसे बड़ी समस्या है सुनने की, मतलब कोई किसी का सुनता नहीं है। अगर सुन लिया मतलब वो तपस्या कर लिया है ना, कृष्ण कृष्ण क्या बोल, मतलब कृष्ण कथा जो है जो बोलता है वो साधारण नहीं है, सभी के मुंह से नहीं निकलता है। मतलब जिनके जिव्या से ये कथा उच्चारण करते हो, पिछले जन्म में उनका पिछले जन्म का जीवन जो है वो पवित्र, वो बोलते हैं कि पिछले जीवन में पवित्र नदी में स्नान किए होंगे या तीर्थ यात्राएं किए होंगे, तो ऐसे मतलब पिछले जीवन में बहुत ही अच्छा कर्म किए होंगे, उनके मुंह से ये श्लोक का उच्चारण पवित्र निकलता शुद्ध। मतलब अगर ये जैसे संसार के जीव जो है, जैसे जैसे आपने बताए थे ऐश्वर्या राय का बताए थे, है ना, ऐश्वर्या राय का जो उनका जो वेशभूषा है 15,000, और हमारे मंदिर में जो भगवान का ड्रेस है वो लाखों में, 15 लाख 16 लाख इसमें आते हैं। एक माताजी बोली आज हमारा वस्त्र पहनाना, तो भी बोले ठीक है अभी समय आएगा तो पहनाएंगे। मतलब भगवान का सुंदरता, लोग सब दान करने, दान उसमें दान का है मेन कि दान भी इतने इसमें करने के लिए लोगों के अंदर से विचार आता है, जिनके पास है वो करते हैं, तो जो नहीं करते उसमें संसार के जीव कितने मूर्ख है जिसको नहीं समझते। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को जो भी करना है कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण ही हमारा जो, जैसे आप मिरर के बारे में बताइए, जैसे प्रभुपाद जी पहले क्या किए थे, प्रभुपाद को क्या बोलते थे, हियरिंग चैंपियन, क्योंकि वो ज्यादा सुनते थे। भक्ति जीवन में सबसे ज्यादा श्रवण करना है, जैसे प्रभुपाद जी करे थे, तो भक्त का
भक्त भक्त में जो अगाध प्रेम प्रकट होने के लिए ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना है। और उसमें ये बोले कि कम से कम आधा घंटा शास्त्र पढ़ना है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा। जैसे गौर किशोर महाराज, उनका आपने बताया वो बाथरूम में बैठ करके जाप करते थे, तो उनके शिष्य भक्ति सिद्धांत ठाकुर थे ना, उनके उनके भी ये थे अपने प्रभुपाद जी। कहने का मतलब कि एक एक एग्जाम्पल में से रिलेशनशिप के बारे में बताए थे माया का। जैसे एक माता जी आई थी दौर के और बोली कि सांप है वहां, तो सांप सांप करने रहे, तो क्या बोले हट जाओ हट हटो भागो। दूसरे दिन आई तो उनका ग्लोरिफिकेशन किए, वो पहले दिन जो हटो हटो जो बोले वो किस लिए बोले, माया को भगा रहे थे। वैसे एक माता जी और आई थी तो दिया कुछ रखते उनकी साड़ी जल गई थी, तो साड़ी जल गई थी तो ब्रह्मचारियों का नियम है कि स्त्री का वस्त्र तक नहीं छूना, तो उस समय क्या करना चाहिए सब, नहीं 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 हम ब्रह्मचारी हम नहीं करेंगे, तो उस समय ये करना देश काल परिस्थिति पात्र के अनुसार हमको क्या करना चाहिए, उन भले पाप लग जाए लेकिन उस समय किसी वैष्णवी का हम उनका जान बचा लिए बचा सके। और 3 मिनट समय है और क्या बताए, बस हरे कृष्ण बस। हाँ अभी और भी है, माता जी को एक बार अगर बोले तो पूरा शताब्दी शताब्दी एक्सप्रेस देखे कोई, पूरा ट्रेन रुकने वाला नहीं है अभी सुनने वाला, तो बहुत सुंदर। नंदा किशोरी माता जी घर का लाइट जलाइए, नहीं तो गरीब घर जैसे दिखेंगे। हाँ तो लाइट जलाइए, ठीक है। और हमारे बीच में और कौन है बोलने वाले, हमारे ये मीटिंग का समय है 3 मिनट, फिर ऑटोमेटिक कटअप होगा। तो आप सभी भक्तों को पता है, अच्छा ममता माता जी आए, ममता माता जी 2 मिनट में बताएंगे ओवरव्यू कि कल के क्लास में क्या चर्चा हुआ था, ठीक है। हरे कृष्णा, जल्दी माता ममता माता जी जल्दी। जी हरे कृष्ण, जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा जी। अभी सुने कल हम अच्छे से सुने, सभी लोग बोले, सबकी बातों को सुने, सभी भक्त जनों को मेरे तरफ से दंडवत प्रणाम करती हूँ जी। अच्छा लगा कल का जो हुआ हमारा सुभद्रा, जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे द्वारका को। आप थोड़ा दूर से बोलिए, माता जी आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है, आपका हाई पावर का स्पीकर है जी। जाने लगे तो सभी को, मतलब सुभद्रा है, अर्जुन है, युधिष्ठिर है, सभी को, बोले जितने उनके रिश्तेदार थे अपने थे, सभी को बहुत दुख हो रहा था कि वे हमें छोड़कर जा रहे हैं और वे कुछ दिन और हमारे साथ रहते तो बहुत ये अच्छा रहता, क्योंकि भगवान जो है सो हम लोगों के बीच में है, हमको उनका अनुनय भक्ति मिल रहा है, हम उनके संसर्ग में हैं, तो ये जानकर उनको थोड़ा सा बहुत विस्मित होते हैं, वे सभी बहुत दुखित होते हैं, तो चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें, वो हमारे साथ रहें जी। बहुत सुंदर, तो ठीक है माता, ऐसे ही छोटे छोटे एक दो पॉइंट बोलना ही काफी है। तो चलिए, तो सबका ओवरव्यू लगभग समापन हुआ। हमारे विश्वास प्रभु जी तो शायद इसी रोड में या रास्ते में होंगे। चलिए प्रभु जी दूसरे दिन देंगे ओवरव्यू। राकेश कुमार प्रभु जी, तो मीटिंग हमारा एंड होने जा रहे हैं, हम लोग ज्वाइन करते हैं सेकंड वाला मीटिंग सेकंड वाला मीटिंग में ज्वाइन करते हैं। तो आप सबको पता है हमारे प्राण मोहन प्रभु जी के घर में श्रीमद् भागवतम का आगमन हुआ है, वो मुझे पता नहीं है, वो मुझे बताए हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी, तो मुझे पता नहीं चल रहा कि प्रभु जी मुझे क्यों नहीं बताए कि भागवतम घर में घुसा है। प्रभु जी कल हम गए थे इस्कॉन मंदिर, यहाँ जो बनांचल या बनदेवी माथी है, इस्कॉन मंदिर यहाँ सेक्टर 1 में, तो हम लोग खरीदने गए थे प्रभु जी। तो
माला खरीदने गए थे तो उनसे माला खरीदे तो उसके बाद खरीदने नहीं गए थे खरीद